शिखर पर विसर
दक्ष पहुँचा मुनिवरो चौबीसो जिन वर नित्य बंधु जो संघ में मंगल करो संघ में मंगल करो। भक्ति उसको कहते हैं जो खुद की खुदी मिटा दे, रोए तो इस भाव से कि प्रभु को भी साथ रुला दे। गुरु चरणों में लोट लोट कर अपना उसे बना ले, स्वर्ग तेरी आँखों में होगा गुरु का ध्यान लगा ले, गुरु का ध्यान लगा ले गुरु चरणों में हो। गुरु चरणों में हर सपना साकार हो जाएगा। सुमिरन करो चौथ मल जी का बेड़ा पार हो जाएगा। सच कहती हूँ भक्तों उद्धार हो जाएगा। सुमिरन करो चौथ मल जी का बेड़ा पार हो जाएगा। शासन पति श्रमण भगवान श्री महावीर स्वामी के चरण में कोटिशह वंदन नमन। पूज्य गुरुदेव जगत वल्लभ जैन दिवाकर जी महाराज साहब के चरण में कोटिशह वंदन नमन तथा पूज्य गुरुणी मैया प्रवर्तनी मेवाड़ गौरव श्रमणी सूर्य डॉक्टर श्री चंदना जी महाराज साहब के चरणों में कोटिशह वंदन नमन। प्रखर वक्ता मासी गुरुवरिया डॉक्टर श्री अक्षय ज्योति जी महाराज साहब के चरणों में कोटिशह वंदन नमन। प्रभु महावीर स्वामी ने एक सूत्र दिया है, वो सूत्र है इच्छा हो आगाज समा अनंतिया। उत्तराधीन सूत्र के 9वें अध्याय की 48वीं गाथा में यह आया हुआ है। इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, इच्छाएं आकाश के समान अनंत और विस्तृत होती है। जितना मोहिनी कर्म प्रबल होता है उतनी ही इच्छाएं असीम और बढ़ती ही चली जाती है। एक बार की बात है, एक वृद्धा माजी थी, बुढ़िया माजी थी, उसके परिवार में कोई भी नहीं था जो उसका भरण पोषण कर सके। तो वो माजी अपना गुजर बसर खुद ही चलाती थी। दूध बेचकर जो पैसा आता था उससे वो अपना गुजर बसर चला रही थी। एक बार वृद्धा माजी एक गांव से दूसरे गांव दूध देने के लिए जाती थी। एक बार की बात है, जब माँ जी दूसरे गांव जाने लगी और उसको उम्र की वजह से उसकी जो शक्ति थी वो दिन दिन घटती जा रही थी, उसका स्टैमिना ख़त्म होते जा रहा था। अब एक दिन वो माँ जी दूध देने के लिए दूसरे गांव जाने लगी और उतने में उसको थकान महसूस हुई। वो माँ जी ने सोचा कि ये जो पेड़ है उस पेड़ के नीचे मैं बैठ जाती हूँ और थोड़ी देर विश्राम करके फिर दूसरे गाँव जाकर दूध बेच कर आ जाऊँगी। वो माँ जी उस पेड़ के नीचे बैठ गई और जब थोड़ी देर बाद उसकी नींद खुली तब उसने देखा कि आज जो लोटे के अंदर दूध है वो मुझे बेचना है और वो दूध थोड़ा आज कम है, तो क्या करूँ, सब घरों में देना भी है और इतना सही दूध से किसी का भी भरेगा नहीं पेट। तब उस माँ जी ने कुछ ना कुछ मन में सोचा और सोचने के बाद वो मंद मंद मुस्कुराई और उसने उठकर वो जो तालाब था तालाब के पास जाकर उसने दूध के अंदर लोटे के अंदर पानी मिला दिया और बहुत ज़्यादा ही खुश होती जा रही थी वो माता जी। समस्या क्या थी, एक दिन की थी, पर हल क्या हो गया माता जी का, बढ़िया निकल गया, बहुत अच्छा हल निकल गया। अब माता जी का रोज का यही रूटीन हो गया, रुकना तालाब के किनारे, तालाब से पानी लेना और लोटे के अंदर भर के दूध बेच के आ जाना। अब माता जी का धीरे धीरे माँ जी का वो रूटीन बन गया और अब वो जो पानी मिलाती थी अब दूध का हिस्सा कम हो गया और पानी का हिस्सा ज़्यादा हो गया। कहते हैं आटे में मिलावट नमक जितनी हो तो चल सकता है, परंतु माता जी का तो उससे कई गुना ज़्यादा पानी मिलाना हो गया। दुर्गंध हो या सुगंध हो उसे कोई भी छुपा नहीं सकता है। वैसे ही दूध के अंदर उसने पानी मिलाया वो तो सभी को पता ही चल रहा था, पर माता जी की अवस्था थोड़ी वृद्ध थी इसलिए माता जी को किसी ने कुछ कहा नहीं।
भगवान ने कहा है, इच्छा लोभम न सेविज्जा। साधक को इच्छा और लोभ का सेवन नहीं करना चाहिए। इस संसार में व्यक्ति सबसे पहले अगर ऐसा कोई भी कार्य करता है तो एक बार वो अपनी परिस्थिति से मजबूर होकर करता है, लेकिन उसमें सफलता मिलने के बाद वो व्यक्ति बार बार वही काम करता रहता है। अब माताजी का एक दिन सब गांव से पैसे इकट्ठे कर वो रिटर्न आ रही थी अपने घर की ओर, तब विश्राम करने के लिए रुक गई और उस टोकरी बाजू में रखी हुई थी। जैसे ही माताजी की नींद पूरी हो गई और टोकरी को देखा तो उसके अंदर एक पोटली नहीं थी जो पैसे इकट्ठे करके लेके आई थी। अब इधर उधर देखा, दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा। आखिर उसके अंदर पैसे थे, वो ढूंढने लगी, नहीं मिला। तब उसका ध्यान एक पेड़ पर गया जहाँ पर एक बंदर बैठा हुआ था और उसके हाथ में वो पोटली थी। तब माताजी ने देखा कि अब ये बंदर से पोटली कैसे लूँ, क्योंकि मेरी तो बुढ़ापे का शरीर है। और वो रोती रही, चिल्लाती रही। तब बंदर ने वो पोटली खोली और एक सिक्का निकाला, पानी में डाल दिया। माताजी को बहुत ज़्यादा बेचैनी हो गई कि हाय मेरा धन, हाय मेरी संपत्ति, मेरा सब कुछ व्यर्थ ही चले जा रहा है। ऐसे चिल्ला रही थी, रो रही थी। पर दूसरे क्षण उस बंदर ने वो पैसा, एक पैसा निकाला और टोकरी के अंदर डाला। अब माताजी को थोड़ा संतोष हुआ, पर फिर भी दूसरा सिक्का निकाल के उस बंदर ने एक बार तालाब में, एक बार टोकरी में, ऐसे उसने करते करते एक तालाब एक टोकरी उसके लिए खेल बन गया। अब माताजी ने सोचा कि जाने दो भाई, जितने पैसे आए हैं ठीक है। तब एक युवक आ रहा था और माताजी ने उसे देखा और बोली कि मैं तुम्हारे घर दूध देने आती हूँ। तो माताजी को देख के वो युवक बोला कि हाँ, और उसने, माताजी ने अपनी सारी व्यथा उस युवक को सुना दी। तब वो बुद्धिमान युवक कहने लगा, इस बंदर ने तो सचमुच दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। तब वो माताजी मन ही मन अपने आप को दोषी ठहराने लगी और सोचने लगी कि असलियत में मैंने जो किया वो क्या किया था, गलत किया था। नीति शास्त्र कहता है, जो धन लाभ शुभ ढंग से होता है वह दूध जैसा है, और जो बेईमानी, मिलावट, धोखाधड़ी से होता है वह पानी जैसा है। उत्तराध्यन सूत्र में स्पष्ट कहा गया है, दुखम हयम जसन हुई लोहो। जिसके मन में लोभ नहीं होगा उसका दुख अपने आप ही नष्ट हो जाएगा। मैं नित करिता गलती ना सुनी तेरी मर्जी, मैं नित करिता गलती ना सुनी तेरी मर्जी, तू रख नित ध्यान मेरा, मैं भूला उपकार तेरा, तू कर भूल माफ मेरी। मैं नित करिता गलती ना सुनी तेरी मर्जी, तेरी कृपा से आज मैंने दुर्लभ जन्म है पाया। तेरी कृपा से आज मैंने दुर्लभ जन्म है पाया, तूने जो छोड़ा उसको पाने, जीवन व्यर्थ गवाया, मुझको प्रभु है इतना बता मैं जाऊँ कहाँ, तू आधार मेरा, मैं भूला उपकार तेरा, तू कर भूल माफ मेरी। मैं नित करिता गलती ना सुनी तेरी मर्जी, पापी अधम भी तुझको पाकर तेरे सम बन जाए,
पापी अधम भी तुझको पाकर तेरे सम बन जाए। जैसा भी हूँ मैं पर तेरा हूँ, मुझको क्यों ने बचाए। तेरी दया है हीर मेरा है प्राण मेरा, तू संसार मेरा, मैं भूला उपकार तेरा, तू कर भूल माफ मेरी, मैं नित करता गलती ना सुनी तेरी मर्जी। ओम शांति। निशरण पारस प्यारा, मेटो मेटो जी संकट हमारा, तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण पारस प्यारा। मेटो मेटो जी संकट हमारा, लाखों बार तुम्हें शीश नमाऊं, जग के नाथ तुम्हें कैसे पाऊं। पंकज व्याकुल भया दर्शन बिन ये जिया लागे खारा। मेटो मेटो जी संकट हमारा। ओम नमो सया सब सिद्धानम, ओम नमो सया सब सिद्धानम, ओम नमो सया सब सिद्धानम। सर्वप्रथम श्रमण संस्कृति के अमर देवता, पुरुषार्थ के प्रतिपादक, आराध्य प्रभु भगवान महावीर के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। प्रतिपल वंदनिया मम आराध्या, मातृस्वरूपा तीर्थ स्वरूपा गुरुणी माँ के चरणों में मेरा भाव भरा वंदन। व्यासपीठ पर विराजित प्रवर्तनी मेवाड़ गौरव, आदरणीय डॉक्टर श्री चंदना जी महाराज साहब के चरणों में मेरा भाव भरा वंदन। गुरु दिवाकर केवल दरबार में आए हुए सभी श्रावक एवं श्राविकाओं का तहे दिल से अभिनंदन स्वागत। कल हमारी एक चर्चा चली थी, याद है आपको कि कल हमने किस विषय पे चर्चा की? मुझे गर्व है मैं जैन हूं। चलिए उसी कड़ी के अंदर एक कड़ी और मिलाते हैं। आपको कितना गर्व है और कितना फक्र है और कितना नास है ये तो मैं नहीं जान सकती, लेकिन श्योर में इतना तो जरूर कह सकती हूं, मुझे तो बहुत गर्व है अपने सौभाग्य पर, अपने लक पर, अपनी तकदीर पर कि मुझे क्या मिला, जैन धर्म मिला। जैन धर्म मिला। आज का हमारा प्रवचन का विषय है जय जिन शासन। क्या है आज के प्रवचन का विषय? जय जिन शासन। आइए, आई एम वेरी लक्की कि मुझे क्या मिला, जिन शासन मिला। क्या है जिन शासन, किससे कहते हैं जिन शासन, और इस देश को, इस समाज को, इस राष्ट्र को, इस संस्कृति को सबसे बड़ी देन किसकी है, ये शासन कितना पुराना है, कितना प्राचीन है, इस शासन के ऑब्जेक्ट क्या है,
इसका संविधान क्या है, इसके कानून क्या है। दुनिया के कानून बदलते हैं, दुनिया के संविधान बदलते हैं। कभी हमारे यहां ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, वह संविधान बनाती है। कभी बाबा साहेब अंबेडकर आते हैं, वह संविधान बनाते हैं। कभी हमारे संविधानों में, कानून में, धाराओं में क्या होता है, चेंज, परिवर्तन, बदलाव। लेकिन 2500 साल पुराना जो संविधान है, 2500 साल पुराना जो कानून है, उस कानून में 2500 साल के बाद में भी क्या नहीं आया, चेंज नहीं आया, परिवर्तन नहीं आया। वे के वे कानून आज तक चले आ रहे हैं और आज तक किसी ने तर्क भी नहीं दी कि इन कानूनों में क्या किया जाए, बदलाव किया जाए। और इस कानून को श्रद्धा, आस्था और विश्वास के साथ आप और हम सब क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। एक समर्पण है, एक श्रद्धा है, एक आस्था है, एक मन में शासन के प्रति प्यार है। तो आइए, ऐसा जिन शासन जो 2500 साल से जिसका संविधान चला रहा है, उस शासन की विशेषताएं क्या है, क्यों ये हमें जिन शासन पे आ रहा है, क्यों हम कहते हैं कि हमें ये जिन शासन मिला है। और इस जिन शासन में जो प्रवर्जित हो जाता है, जो दीक्षा ले लेता है, जो संयमित हो जाता है, जो वैरागी हो जाता है, जो इस राजमार्ग पर कदम बढ़ा लेता है, वह तो और भी ज्यादा क्या है, गौरवशाली है, खुशनुमा है वह व्यक्ति कि जो इस और आ जाए। आइए, बाकी कहीं जगह अनुशासन मिल सकता है, शासन मिल सकता है, कुशासन मिल सकता है, लेकिन यह क्या है, जिन शासन, क्या है यह, है जिन शासन, जय जिन शासन। आइए इस शासन की कुछ विशेषताएं बताऊं, कुछ बातें बताऊं मैं आपको कि शासन में क्या है। और इसलिए मैं इसे लाइक ही नहीं, मैं इसे प्यार भी करती हूं। दो शब्द है, लाइक एंड लव, दो शब्द है, एक है लाइक और एक है लव। मैं आपसे पूछूं, आप अपने परिवार को लाइक करते हो या लव करते हो, बोलो, लव करते हो। क्यों, क्यों, अपना परिवार है, यस, लाइक किसे किया जाता है, पराए को। अगर आपको मोबाइल पर या फेसबुक पर कोई पोस्ट अच्छी लगती है, आप उसे क्या करते हो, लाइक करते हो, लेकिन उसे क्या नहीं करते हो, लव नहीं करते हो। लेकिन आपका बेटा, आपका पोता, आपकी वाइफ, आपका भाई, आपके पापा, आपकी मदर, आप इसे क्या करते हो, लव करते हो। फर्क आया, डिफरेंट, एक है लाइक और एक है लव। अब दूसरा प्रश्न है, जिन शासन को आप लाइक करते हो या लव करते हो। परिवार के लिए तो आपने बहुत अच्छा जवाब दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि महाराज वह तो हमारा क्या है, अपना है। ओ माय गॉड, परिवार आपका है, हम किसके, बोलो, परिवार आपका, पत्नी आपकी, बच्चे आपके, पोते आपके, परिवार आपका, बहन आपकी, भाई आपका, पिता आपके, मां आपकी, तो ये जिन शासन किसका, आप इसे लाइक करते हो या लव करते हो। डेफिनेट, देखो, नो चेंज। याद कर लेना, नोट डाउन कर लेना, जिस दिन आप जिन शासन को प्यार करने लग जाओगे, अभी आप लाइक कर रहे हो, 101% आप लाइक कर रहे हो, लव नहीं कर रहे हो। जिस दिन आप लव करोगे, प्यार करोगे, उस दिन इस मैदान के अंदर पैर रखने की क्या नहीं होगी,
जगह नहीं होगी। जो जिनशासन के बंदे समर्पित है वे लव करते हैं। लव किया था चंद्रशेखर ने, लव किया था भगत सिंह ने, लव किया था राजगुरु ने। देश के प्रति क्या था उनका? प्रेम था, लाइक नहीं था, लव था। सब कुछ उन्होंने क्या कर दिया? अपना जान, अपना बलिदान। जो बलिदान दे दे वह लव करता है, और जो खुद की सीमाएं सेफ रखे वह लाइक करता है। यह जिनशासन आपसे प्यार मांगता है, यह जिनशासन आपसे प्रेम मांगता है, यह जिनशासन आपसे बलिदान मांगता है, यह जिनशासन आपसे समर्पण मांगता है, यह जिनशासन आपसे श्रद्धा मांगता है। और एक भीतर से आवाज निकले, एक दिल से आवाज निकले, एक 3.5 करोड़ रोम से आवाज निकले, जय जिनशासन। क्या आवाज निकले? एक बार स्वामी राम तीर्थ किसी के घर मेहमान बनकर चले गए। होता है ना कभी कभी साधु और संत आपके घरों में भी आकर क्या कर लेते हैं, वन डे रुक जाते हैं। स्वामी राम तीर्थ भी पहुंच गए, और जब पहुंचे रात को सो गए। जो मालिक था घर का उसे नींद नहीं आ रही थी, उसके कानों में एक आवाज कंटिन्यू आ रही थी, राम 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 राम। सोचा इतनी रात को 12-1 बजे कौन राम 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 की माला कर रहा है? चारों ओर देखा, घर में कोई माला कर रहा है क्या? घर में जाके देखा सब सोए हुए हैं, खर्राटे मार रहे हैं। फिर आकर सोया, फिर आवाज आई, समझ में नहीं आया कौन बोल रहा है। बंदा बाहर गया और बाहर जाकर भी देखा कि कहीं से आवाज आ रही है क्या, तो बाहर भी किसी की कोई आवाज नहीं थी। फिर आकर सो गया, फिर वही आवाज आ रही। पूरी रात सो नहीं पाया, आखिर यह आवाज कहाँ से आ रही है? जैसे ही स्वामी राम तीर्थ के पास जाता है आवाज क्या हो जाती है, साउंड बढ़ जाता है। सोचा आखिर ये भी गहरी नींद के अंदर सोए हैं, खर्राटे मार रहे हैं, और आवाज किसकी आ रही है? राम राम राम। बेचैन था, मेरे जैसा बंदा था कि जब तक समस्याओं का हल नहीं मिले तब तक क्या रहेगा? बेचैन। थोड़ा मेरे जैसा था। जैसे ही स्वामी राम तीर्थ उठे और उसने पूछा, आज रात को बड़ी आवाज आ रही थी, राम राम राम, क्या आप नींद में सोए सोए भी राम राम बजते हो? क्या पूछा? क्या आप रात को नींद में सोए सोए भी राम राम बजते हो? तब स्वामी राम तीर्थ का जवाब था, और बहुत सुंदर जवाब था। स्वामी राम तीर्थ ने कहा, सुनो मेरे भाई, मेरे 3.5 करोड़ रोम से अगर आवाज निकलेगी तो सिर्फ किसकी निकलेगी? राम की आवाज निकलेगी। बस मैं यही कहना चाहती हूं कि आपके 3.5 करोड़ रोम से अगर आवाज निकले तो किसकी निकले? किसकी आवाज निकले? जय जिनशासन। आपके रोए रोए के अंदर एक ही आवाज हो, एक ही स्वर हो, एक ही ताल हो, एक ही लय हो। और क्यों जिनशासन को हम इतना महत्व देते हैं? आप वेद पढ़ लो, आप गीता पढ़ लो, आप कुरान पढ़ लो, आप रामायण पढ़ लो, आप धम्मपद पढ़ लो, दुनिया के सारे धर्म ग्रंथ पढ़ लो, लेकिन यहां जो बताया गया है शायद शायद दुनिया के किसी भी धर्म ग्रंथ में आपको नहीं मिलेगा। अरे जहां पर अपने दुश्मन को भी गले लगाने की बात अगर कोई कर ले, किसको? दुश्मन को भी गले लगाने की बात कर ले, वह धर्म कौन सा? जय जिनशासन। जहां दुश्मन को भी क्षमा कर दिया जाए वह शासन कौन सा? जय जिनशासन। अरे जहां एक स्वर गुंजा, जहां एक धुन आई, जहां भावों में परिवर्तन की बात आई, मिट्टी में सब भूयेसु वेर मज्जम न केणई। वाह, क्या शब्द है, क्या भावना है, क्या विचारों की ऊंचाइयां है, क्या सोच है। मिट्टी में सब भूयेसु
मैत्री अगर करना है तो किससे कर लो? प्राणी मात्र, दुनिया में जितने प्राणी हैं सभी के साथ अपना मैत्री का संबंध क्या कर लो? स्थापित कर लो। कभी आपने जैन सिंबल अगर देखा हो उसके नीचे क्या होता है? एक स्लोगन है, शायद इस कैंपस में कहीं पर भी जैन सिंबल लगाया नहीं गया है, सॉरी बाकी सभी जगह जैन सिंबल लगता है और उस जैन सिंबल के नीचे एक स्लोगन होता है, परस प्रहोप ग्रह जीवाना, मतलब एक दूसरे से, हर जीव से हमारा मैत्री का संबंध क्या हो? स्थापित हो। आज अगर कोई आपको बंदा मिलता है तो आप क्या मिलाते हो? हाथ मिलाते हो, मतलब इसका क्या हुआ? मतलब क्या हुआ हाथ मिलाने का? मतलब क्या? दोस्ती, भाई तेरी और मेरी दोस्ती तो जरूर है लेकिन दूरियां कितनी रहेगी? इतनी रहेगी। पहले के जमाने के अंदर हाथ नहीं मिलाया जाता था, क्या मिलाया जाता था? गले से गले लगाया जाता था कि तेरे और मेरे बीच के अंदर क्या नहीं है, दूरी नहीं है। जहां पर एक दूसरे को गले लगाया जाता है वह क्या है? अरे जिन शासन है, जिन शासन के एक एक उदाहरण अगर मैं आपको बताऊं, कल ही मैंने कहा था जैन धर्म जातिक वाचक नहीं है, क्या है? गुणवाचक है। अरे जिस समय हमारे देश के अंदर यह कहा जाता था ढोल शूद्र गमारन नारी सब ताड़न के अधिकारी, ढोल अर्थात पशु, नारी और शूद्र ये क्या है? सारे प्रताड़ित के अधिकारी हैं, जिन्हें धर्म और वेद पढ़ने के लिए जिन्हें परमिशन नहीं है, जिन्हें मंदिर के अंदर एंट्री नहीं है। ऐसे समय के अंदर महावीर ने कहा कमुना होई बंभुओ, कमुना होई खत्तियो, कमुना होई शुद्धो, कमुना होई वैश्यो। कर्म से व्यक्ति क्षत्रिय है, कर्म से वैश्य है, कर्म से शूद्र है और कर्म से ब्राह्मण है। हर किसी जैसे चंडाल को, जो शूद्र है, जो चंडाल है, उसे भी धर्म संघ में प्रवर्जित किया। अर्जुन माली जो एक हत्यारा, एक पापी, एक ब्राह्मण है, जिसके दोनों हाथ किससे रंगे हुए हैं? अरे खून से रंगे हुए हैं, जो प्रतिदिन कईयों की हत्या करता है, क्रूर है, लेकिन जब वह महावीर के समक्ष शरण के अंदर आता है, नहीं किया उसे तिरस्कृत, नहीं नकारा उसे, वाह मेरे महावीर, वाह मेरा शासन, वाह जिन शासन, एक हत्यारे को भी तुमने क्या लगाया? गले लगाया। अरे गले ही नहीं लगाया, स्वयं के बराबरी का उसे क्या दिया? दर्जा दिया। अप्पा सो परम ही क्या है? आत्मा है, स्वयं के बराबर, स्वयं सिद्ध। अत्यारे के उस ब्राह्मण को भी क्या बना दिया? सिद्ध बना दिया, पहुंचा दिया उसे मोक्ष, पहुंचा दिया उसे सिद्ध शिला तक। नमन करो इस शासन को, नमन करो इस शासन को, नमन करो इस महावीर के धर्म को, नमन करो इस जिन धर्म को, जिसकी विशालता और जिसकी व्यापकता शब्दों के अंदर क्या नहीं की जा सकती, अभिव्यक्त नहीं की जा सकती। इस शासन का एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताऊं, शासन के प्रति, धर्म के प्रति, जीवों के प्रति करुणा का भाव क्या होता है, दया क्या होती है, अहिंसा क्या होती है। अहिंसा अगर आपको सीखना है, अहिंसा को अगर जानना है, अहिंसा को अगर पहचानना है, अहिंसा को अगर स्वीकार करना है, तो किससे सीखो? जिन शासन से सीखो। घटना कहती है एक राजा अपने दरबार के अंदर बैठा हुआ है, राजकार्य चल रहा है, अपना सारा काम कर रहा है। एक पक्षी उड़ता हुआ कहां आया? उस दरबार के अंदर आया
और जहां राजा का सिंहासन है उसके पास आकर बैठा। कुछ उसमें तड़फ थी, कुछ उस पक्षी में दर्द था, कुछ पीड़ा थी और कुछ उसकी आंख में आंसू थे। क्या थे? उसकी आंख में आंसू थे, सजल था, डरा हुआ था, सहमा हुआ था, परेशान था। बड़े प्यार से, बड़ी आत्मीयता से, बड़े दुलार से उसको उठाया, सहलाया। एक घबराया हुआ बच्चा, एक घबराया हुआ पशु, एक घबराया हुआ पंछी, उसको प्यार का अगर हाथ मिल जाए तो उसे क्या मिलता है? एक शकुन। उसे उठाया, प्यार किया, सहलाया, उसे बहुत आनंद मिला, शकुन मिला, शांति मिली, ऐसा लगा कि कोई मां की गोदी मिली है। तभी एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आया, राजन, राजन, बोलो क्या चाहिए तुम्हें? क्या पूछा? क्या चाहिए? राजन, ये जो पक्षी है ये मेरा शिकार है। क्या है? यह जो पक्षी है यह मेरा शिकार है, यह मुझे चाहिए, यह मेरे उदर पूर्ति का साधन है। क्या है? मेरे उदर पूर्ति का साधन है। राजा ने दो टूक में जवाब दिया, सुनो भाई, यह पक्षी तुम्हें नहीं मिलेगा। क्या कहा? यह मुझे तुम्हें नहीं मिलेगा। क्यों? किस लिए? क्यों नहीं मिलेगा? यह मेरा है, मेरा अधिकार है। आप राजा हो, न्याय की तुला पर बैठे हो, न्याय के आसन पर बैठे हो। यू आर रॉन्ग, आप मेरे साथ अन्याय कर रहे हो। एक गरीब, आज अगर ये शिकार लेकर नहीं जाऊंगा, मेरे बच्चे, मेरे परिवार, मेरी पत्नी भूख के मारे मर जाएंगे, क्या खाएंगे? उनके खाने का क्या है? ये साधन है, मुझे चाहिए, मैं लेकर जाऊंगा। कुछ भी हो जाओ, कुछ भी हो जाओ, मैं क्या नहीं कर सकता? इसे दे नहीं सकता, इसने मेरी शरण ली है, ये मेरे पास आया है, मैंने नहीं बुलाया था, ये मेरे पास आया, मैं इसे कैसे दे दूं? और वो भी कैसे करने के लिए? कत्ल करने के लिए, मारने के लिए। मेरी हिंसा, मेरा दिल, मेरा धर्म, मेरी आत्मा किसी को मारने के लिए क्या नहीं है? तैयार नहीं है। मैं भी आपसे पूछूं, आप भी किसी गली से निकल रहे हो, कोई मुर्गा कट रहा है, कोई बकरा कट रहा है, बोलो मेरे भाइयों, बेंगलोर वालों, क्या करोगे? जवाब दो, अपनी लगी लगी सूझती है, अपनी लगी लगी सूझती है, गैरों के लगे तो दिल लगी सूझती है। राइट महाराज, दुनिया में बहुत सारे मरते हैं, हम किस किस को बचाएं? सोचना, दिल पर हाथ रखकर, हिस्ट्री ऑफ जैनिज्म, मैं आपको इतिहास की वह करुण घटना सुना रही हूं, आपका दिल पसीज जाएगा, आपकी आंखें नम हो जाएगी। एक करुणा क्या होती है, एक दया क्या होती है, एक अहिंसा क्या होती है, और एक शासन के प्रति प्रेम क्या होता है? भाई, तेरा परिवार भूखा नहीं रहेगा। क्या कहा? तेरा परिवार भूखा नहीं रहेगा। कितना अनाज चाहिए लेकर जा, कितना धन चाहिए लेकर जा, दौलत चाहिए लेकर जा, संपत्ति चाहिए तो लेकर जा, तू चाहे तो इसके बदले में क्या दे दूं? तुझे राज्य दे दूं, जो चाहे तू ले जा। लेकिन शिकारी कहता है, दौलत नहीं चाहिए, शोहरत नहीं चाहिए, राज्य नहीं चाहिए, सिंहासन नहीं चाहिए, सत्ता नहीं चाहिए, मुझे तो क्या चाहिए? क्या चाहिए? यही पक्षी चाहिए, मांस चाहिए। तुझे मांस चाहिए, मैं तुझे क्या दूंगा? मांस भी दूंगा, चल तैयार। कितना मांस चाहिए? कौन बोल रहा है? एक राजा बोल रहा है, बोल तुझे कितना मांस चाहिए? जो चाहिए उतना ले ले, जितना इस बाज पक्षी का वजन है। कितना?
जितना इस बाज पक्षी का वजन है उतना मुझे मांस चाहिए। ठीक है, एक तुला मंगा ले, मैं देता हूं तुझे मांस इसके बदले में। मंगाया एक तेज धार का नक्सर, एक तरफ बाज को बिठा दिया, अपनी ही जंगा का क्या निकाला, कट किया मांस और रखा, एक बार रखा, दो बार रखा, तीन बार रखा, चार बार रखा। देवता था परीक्षा लेने वाला, बाज का वजन ज्यादा होता जा रहा है और मांस के ऊपर मांस क्या होता जा रहा है, कटता जा रहा है, खून की धाराएं बह गई। लेकिन जिसने खून नहीं देखा, जिसने अपना दर्द नहीं देखा, जिसने अपनी पीड़ाएं नहीं देखी, लेकिन जिसने सिर्फ सिर्फ क्या देखा, उस पक्षी की जान देखी, जो औरों की जान बचाने के लिए खुद की जान के साथ खेल जाए, उसका नाम क्या है बोलो? उसका नाम है जिन शासन, जो स्वयं का बलिदान कर दे, उसका नाम है जिन शासन। इतिहास के मैं आपको हजारों उदाहरण दे सकती हूं कि जिसने धर्म की रक्षा के लिए, शासन की रक्षा के लिए, जिसने अपने प्राणों की क्या दी, आहुति दी। आप ले लीजिए धर्मरुचि अणगार को, किसको? धर्मरुचि अणगार को, जिसने एक चींटी की करुणा के खातिर अपने आप का क्या दिया, बलिदान दिया। जब ये इतिहास की घटनाएं पढ़ते हैं, सर क्या हो जाता है, नतमस्तक हो जाता है। जीव दया के कारण, जीवों पर करुणा के कारण उस राजा मैग्रथ ने कौन सा गोत्र बांधा, तीर्थंकर गोत्र बांधा। एक जीव को शांति देने के लिए जिसने अपना बलिदान बहाया, जिसने अपना खून बहाया, अपना बलिदान दिया, तो जिसके गर्भ में आते ही मृगी जैसी बीमारी क्या हो गई थी, साता की जो जी, साता की जो जी, सिर शांति नाथ प्रभु शिव सुखदी जो जी, के साता की जो जी। आपको ये गीत याद है? किस किस को याद है, जरा हाथ ऊपर करें। याद है आप सबको? फिर आपकी आवाज नहीं निकली। नाश्ता करके आए हो, ब्रेकफास्ट किया है। अरे इस संगीत में, इस धुन में, इन शब्दों में, इस नाम में इतना पावर है, इतनी शक्ति है, इतनी ऊर्जा है। अगर आप दिल से स्मरण कर लो तो मैं कहूंगी कि घर में, परिवार में, समाज में, देश में, राष्ट्र में क्या हो जाती है। ये मैं नहीं कह रही हूं, किसने कहा है बोलो? दिवाकर। किसने कहा? श्रद्धेय गुरुदेव जैन दिवाकर चोथमल जी महाराज ने कहा है। इसका अगर स्मरण कर ले, और ये शक्ति कहां से आई, ये पावर कहां से आया, एक जीव की रक्षा के लिए जो स्वयं का बलिदान करे, ऐसे शांतिनाथ का स्मरण अगर कोई कर लेता है, शांतिनाथ को कोई भज लेता है, शांतिनाथ की अगर कोई माला कर लेता है, कोई अनुष्ठान कर लेता है, उसके जीवन की हर अशांति क्या हो जाती है, दूर हो जाती। आइए आने वाले गुरुवार को शांतिनाथ का कीजिए जाप, करोड़ भवारा काटे पाप, शांतिनाथ जी मोटा देव, सुरनर रखे जाकी सेव। वाह, क्या कहा रघुनाथ जी महाराज ने, एक बार मेरे साथ स्वर में स्वर मिलाइए, और ऐसा मिलाइए कि जो घरों में बैठे वह कहां जाए। बोलो, एक जिन शासन का गौरव बढ़ जाए। आप सिर्फ प्रेरणा दीजिए लोगों को यहां आने की, इसमें मेरा स्वार्थ नहीं है, लेकिन अगर ये हॉल अगर भरता है, आपकी संख्या बढ़ती है, अगर तपस्या होती है,
अनुष्ठान के अंदर संख्या बढ़ती है तो गौरव किसका है? जय जिनशासन, अहो जिनशासन। एक बार सर में सर मिलाओ, पीछे से लेकर आगे तक की आवाज निकलनी चाहिए, और जब तक आपकी आवाज नहीं निकलेगी माइक नहीं छोड़ूंगी। क्यों आपको बड़ी हंसी आ गई? बहुत पक्की हूं, आपने एक घट का पानी पिया है, मैंने तो अरे हजार घट का पानी पिया है। जितने पक्के आप हो उतनी पक्की मैं भी हूं। बेंगलोर वालों मुझे कमजोर मत समझना। साता की जो जी, साता की जो जी, श्री शांतिनाथ प्रभु शिव सुख दी जो जी, साता की जो जी। बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय। श्री श्री मंदिर स्वामी बंधु बंधु महावीर स्वामी को लब्धि धर गौतम गणी बंधु सुधर मां स्वामी को पूज्य गुरुवर जैन दिवाकर चौथ मल चरणी नमो मृदुभाषी साकर कमला गुरुणी कोटि सह वंदन करू कोटि सह वंदन करू। उपस्थित सज्जनों, माताएं बहनों, जब से माता ने हमें जन्म दिया, जैसे ही बच्चा बाहर आता है, सूर्य दर्शन कराया जाता है, कुछ दिनों के बाद, और उसकी आंखें जब खुलती है, जो जो वह इस दुनिया को देखता है, दुनिया कैसी है, क्या है, ये सब उसकी दृष्टि पर निर्भर रहता है, उसकी आंख पर निर्भर होता है। जिस बच्चे को आंख न खुले वह इस दुनिया को देख नहीं सकता है, चाहे वह कितनी भी लंबी उम्र पाले, लेकिन अगर उसके पास आंख नहीं है, दृष्टि नहीं है, तो वह इस दुनिया को देख नहीं सकता है। शरीर का सबसे कीमती अंग कौन सा है? ये आंख है। दुनिया में आंख है तो दुनिया है, नहीं तो दुनिया हमारे लिए क्या हो जाती है। इसीलिए प्रभु महावीर को, तीर्थंकरों को क्या कहा जाता है? चक्षु दयाणम, चक्षु को देने वाले हैं, यानी आंख को देने वाले हैं। तो ऐसे प्रभु के गुणगान सकरेन्द्र भी करता है कि जो चक्षु को यानी ज्ञान चक्षु को देने वाले हैं, और जब संसार में हम आए हैं, ये शरीर हमें मिला है, तो उसमें आंख क्या है, हमें प्राप्त हुई है, चक्षु प्राप्त हुई है, हमें देखने की दृष्टि मिली है। हम सोचें ये दृष्टि हमें मिली है, लेकिन हम उससे क्या देखते हैं? जैसे कांच के सामने आप जाते हो तो अपने शरीर को न रखते हो कि कहीं कोई दाग धब्बा कपड़े पर या चेहरे पर तो नहीं है, ऐसे ही ये दुनिया है, लेकिन हमारी दृष्टि उसको देखने की कैसी है, अच्छी या बुरी, यह हमारी दृष्टि पर निर्भर है। दुनिया तो जैसी है वो वैसी ही रहेगी, लेकिन हमारा देखने का जो ढंग है, जो हमारा क्या देख रहे हैं, हम किस टाइप से उस दुनिया को देख रहे हैं, यही सोचने की बात है। जैसे घर में एक स्त्री है, सासू उसे बहू के रूप में देखती है, देवर उसे अपनी भाभी के रूप में देखता है, पुत्र माँ के रूप में देखता है, पति अपनी पत्नी के रूप में देखता है। ये सब स्त्री तो एक है, लेकिन सबको देखने का अपना अपना ढंग है, अपना अपना रूप वही है, स्त्री एक ही है, लेकिन देखने के रूप अलग अलग है, यानी दृष्टि का भेद है कि किस रूप में व्यक्ति एक ही व्यक्ति को कैसे देखता है। हम भी सोचें हम किस रूप में इस दुनिया को देख रहे हैं, हमें अच्छाई मिलती है या बुराई मिलती है, ये हमारे ऊपर है। हम किसी भी चीज में बुराई निकाल देते हैं, लेकिन ये दृष्टि किसकी? उस चीज की नहीं है, लेकिन हमारी अपनी दृष्टि है। जैसे हमारी बहनों को गहने प्रिय हैं, अगर हीरे मोती के गहने हैं
तो इन्हें बहुत प्रिय है। और अगर एक बंजारिन की औरत होती है उसे कौन से गहने पसंद है? जो उनके पहनने के हैं वो उनको पसंद है, काश वो गहने इनके सामने रख दो तो कभी पसंद नहीं करेगी। यानी ये दृष्टि का भेद है। उस बंजारन के लिए वो गहने बहुत कीमती है, बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमारी इन बहनों के लिए वो त्याज्य है, वो उचित नहीं लगेंगे, इनको प्रिय नहीं लगेंगे। ये है दृष्टि का भेद। ऐसे ही एक समय बगीचे से दो मित्र निकल रहे थे। जब दो मित्र जा रहे हैं बगीचे में, फूलों की खुशबू आ रही है, गुलाब के फूल खिल रहे हैं, तभी एक मित्र बोलता है, अरे फूल के नीचे कितने तीखे तीखे कांटे लगे हुए हैं, कुछ काम का नहीं है। तभी दूसरा मित्र बोलता है, अरे भाई गुलाब के फूल कितने सुंदर खिल रहे हैं। अगर हम तथ्य की दृष्टि से देखें तो फूल भी है और कांटे भी हैं, लेकिन देखने की दृष्टि कि एक की दृष्टि सिर्फ कांटों पर जा रही है और एक की दृष्टि फूल पर जा रही है, जबकि चीज तो दोनों है। लेकिन अच्छाई ढूंढने वाला, जिसकी दृष्टि अच्छाई पर जाएगी वो उसमें अच्छाई देखेगा, और जिसकी दृष्टि बुराई पर जाएगी वो उसमें क्या देखेगा? बुराई ही देखेगा। हम सोचें, बगीचे से आप भी गुजरते हो, कभी कभी कोई भी व्यक्ति निकलता है लेकिन दृष्टि किस पर जाती है? अच्छाई पे जाती है या बुराई पे जाती है? ये हमें सोचने की बात है कि हमारी दृष्टि कैसी है। अगर हम कौवे की दृष्टि लेकर चले, आपने देखा होगा एक हंस होता है, कौवा होता है, दोनों प्राणी है। हंस क्या खाता है? मोती चुगता है असली हंस, तो उसकी दृष्टि किस पर रहती है? कहीं मोती मिले तो उसे चुगूं। और कौवा होता है, उसकी दृष्टि कहाँ रहती है? कहीं गाँव मिले, कहीं मांस मिले, कहीं गंदगी मिले, क्योंकि उसकी दृष्टि वही है, उसको वही चीज चाहिए। जिसको अच्छाई की दृष्टि है वो अच्छी चीज पर उसकी दृष्टि जाएगी, और जिसको बुरी चीज चाहिए, कौवे की भांति जिसकी आंखें हैं, जिसके नयन है, जिसको देखने की दृष्टि वैसी है, वह उसमें अच्छाई में भी क्या ढूंढेगा? अरे बुराई ही ढूंढेगा। हम भी सोचें, एक होता है चातक जो ऊपर उड़ता है, लेकिन वह क्या चाहता है? कब स्वाति बूंद का पानी मिले तभी क्या करता है वो? पीता है। और गिद्ध होता है, वह क्या करता है? ऊपर भले ही उड़ता है लेकिन उसकी दृष्टि जमीन पर रहती है कि मुझे क्या मिल जाए, कहीं घाव मिले, कोई मरा हुआ मुर्दा मिले, कोई जानवर का कलेवर मिले, तो उसके ऊपर उसकी दृष्टि रहती है। तो कहने का मतलब यही है कि हमारी दृष्टि किस पर रहती है? अच्छाई पर रहती है, बुराई पर रहती है? या हम अच्छी बात सुनकर उसे ग्रहण करते हैं, या किसी की बुराई देखकर उसको ढूंढने का प्रयास करते हैं? काश हमारी दृष्टि, जहां हमारे आगम में भी कहा है दृष्टि तीन प्रकार की है, समदृष्टि, मिथ्या दृष्टि और मिश्र दृष्टि। समदृष्टि यानी सही को सही जानना, ये क्या है? समदृष्टि है। और सही को भी हम सही चीज नहीं देखकर उसकी जो विपरीत अवस्था है उसको देखने को जाते हैं। जैसे फूल के साथ कांटे हैं, तो हमारी दृष्टि अगर कांटों पर जाए तो क्या है? वह मिथ्या दृष्टि है। हम भी वही करते हैं कभी कभी गलती से, या वैसे भी अगर देखो तो गलती तो नहीं, लेकिन हमारे श्रावक क्या करते हैं? देव और भगवान को एक रूप जानते या नहीं जानते आप? कहीं कहीं पत्थर के कोई मूर्ति रखी हुई है, उस पर जरा सिंदूर लगा हुआ है, कोई ने अगरबत्ती चढ़ा दी, आप उसे क्या कहते हैं? ये भगवान है। विचार करना, भगवान क्या है? ये मिथ्या दृष्टि है। भगवान किसे कहते हैं? भगवान का रूप हमारे यहां पर बताया है, जब आप सिद्ध भगवान की वंदना बोलते हैं, दूसरे पद श्री सिद्ध भगवान जी महाराज, आठ कर्मों को क्षय कर जो मोक्ष पहुंच गए हैं वे हमारे भगवान हैं। जहां जन्म नहीं, जरा नहीं, मरण नहीं, भय नहीं, रोग नहीं, शोक नहीं, वो भगवान होते हैं, और जो देव होते हैं। लेकिन हमने क्या कर दिया? हमने तो लॉर्ड मतलब भगवान, चाहे किसी भी देवी देवता को भी भगवान समझ लिया और सिद्ध भगवान को भी भगवान समझ लिया, इसका भेद हम भूल गए। यही हमारी क्या है? मिथ्या दृष्टि हो गई। जहां नवकार मंत्र में अरिहंत सिद्ध को हम वंदन करते हैं, लेकिन हम
देवी देवताओं को न जाने कहां कहां भटक भटक कर हम क्या कर लेते हैं। हमारी माताएं और बहनें कभी कभी शीतला माता को पूछती है, कभी किसको पूछती है, कभी भैरव जी, कभी भवानी जी, और इनको भगवान समझकर क्या कर लेती है। अरे पूजा करती अर्चना करती है, लेकिन सोचने की बात है कि वो भगवान नहीं है। आपके सुख दुख आपको भोगना है, और भगवान कभी न सुख देता है न दुख देता है। आपके कर्म जैसे हैं वैसा फल मिलेगा, लेकिन हमारी दृष्टि में क्या है, देव और भगवान एक रूप में हम समझ लेते हैं, देवों को भगवान समझते हैं, यही हमारी क्या है, मिथ्या धारणा है। हम विचार करें दर्शन संकित का पाठ अगर आप बोलते हो प्रतिक्रमण में, अरिहंतो महादेवो जाओ जीव सुसाउणो गुरुणो, ये विचार करना कि हम क्या कर रहे हैं, ये हमारा दृष्टि का भेद है कि हम देव और भगवान को एक रूप में समझ लेते हैं। आइए, मेरा ये विषय नहीं है, लेकिन हम सोचें कि दुनिया के अंदर हम जैसी दृष्टि लेकर चलेंगे वैसा ही हमें क्या मिलेगा, मिलेगी ये दुनिया वैसी ही दिखेगी। जैसे और उदाहरण के तौर पर मैं बताऊं, एक समय तीन चार व्यक्ति मिलकर, दोस्त मिलकर कहीं जा रहे थे, जैसे ही उन्हें बगीचे में फूल नजर आए, सुंदर सुंदर फूल खिल रहे हैं, उन फूलों को देखकर एक व्यक्ति बोलता है, अरे फूल तेरे साथ अगर कांटे न होते तो कितना अच्छा होता था। तभी दूसरा व्यक्ति बोलता है, कोयल की आवाज आई, वृक्षों पर आम्र की डाली पर कोयल की मधुर ध्वनि निकल रही है, कू कू की आवाज आ रही है। और वह दूसरा व्यक्ति बोलता है, अरे कोयल तेरा यह रूप अगर काला न होता तो कितनी प्रिय लगती थी। तभी सागर के किनारे, समुद्र के किनारे घूमते हुए तीसरा व्यक्ति बोलता है, अरे समुद्र है सागर, अथाह तेरे पास जल राशि है, लेकिन सारी जल राशि क्या है, अरे खारी है, काश तुझ में एक खारापन न होता। तभी किसी चौथे व्यक्ति ने कहा, अरे भाई जो जिसमें है वो उसमें है, लेकिन काश तेरी दृष्टि में ये सब दुर्गुण देखने की तेरी क्या नहीं होती, निगाहें नहीं होती, तेरी ये दृष्टि नहीं होती कि तू सब में क्या देख रहा है, अच्छाई नहीं देख पा रहा है सब चीज में। इतनी रत्नाकर जो सागर है, वो रत्नाकर कहा जाता है, उसमें अथाह जल राशि भरी है, वो तू नहीं देख रहा है, तू क्या देख रहा है, उसका खारापन देख रहा है। कोयल का जो मधुर आवाज है वो नहीं देख रहा है, उसका कालापन देख रहा है। और फूलों की सौरभ नहीं देख पा रहा, उसकी सुंदरता नहीं देख पा रहा, तू उसके कांटे देख रहा है, तो ये सब क्या है। काश व्यक्ति में बुराई देखने की आदत न हो, हमारी दृष्टि ऐसी बन जाए कि हम हर चीज को अच्छाई से देखें। ऐसा ही एक उदाहरण, एक बार भगवान कृष्ण ने दुर्योधन से और धर्मराज से दोनों से एक बात कही कि मुझे एक योग्य सेनापति चाहिए अपनी सेना के लिए, जो सबसे अच्छा हो, जो गुणी हो, वो सेनापति इस सभा में से मुझे ढूंढ कर दो, मैं उसे सेनापति बनाना चाहता हूं। दोनों को आदेश दिया। जब दोनों के पास पहुंचे, धर्मराज भी जा रहा है और दुर्योधन भी जा रहा है, दुर्योधन थोड़ी देर घूमता घूमता श्री कृष्ण के सामने आकर बोला, पूरी सभा के अंदर एक भी सेनापति बनने के लायक व्यक्ति नहीं है। क्या कहा, एक भी व्यक्ति, इतनी बड़ी सभा है लेकिन कोई व्यक्ति सेनापति के लायक नहीं है। कृष्ण महाराज भी आश्चर्य में पड़ गए, जहां बड़े बड़े लोग बैठे हैं, बड़े बड़े योद्धा बैठे हुए हैं, और वह आकर कह रहा है कि एक भी योग्य नहीं है। तभी धर्मराज भी लौट कर आए, और धर्मराज ने आकर कहा, हे भगवान कृष्ण, सभा के अंदर एक से एक बढ़कर योग्य व्यक्ति बैठा हुआ है, एक नहीं, मुझे तो सभी दृष्टिगत हो रहे हैं कि सभी सेनापति बनने के लायक हैं। आप बताओ मैं किस किस को पुकारूं या किसको आपके पास लेकर आऊं, सभी क्या है, सेनापति के लायक हैं। ये किसका भेद है, दृष्टि का भेद है कि व्यक्ति क्या देख रहा है। एक पूरी सभा में सब अच्छे लोग नजर आ रहे हैं, योग्य नजर आ रहे हैं,
और एक को सारे अयोग्य नजर आ रहे हैं, तो यह भेद किसका होता है? दृष्टि का होता है। हम भी सोचें हमारी दृष्टि कैसी है। एक आपने देखा होगा जहां सोना चांदी का दुकानें होती है, सराफा होता है, वहां पर एक निहार लोग होते हैं जो धूल शोधक, वहां पर दुकानों के नीचे वो ढूंढते रहते हैं कि कहीं सोने के कण उन्हें मिल जाए। तो निहार जब अपनी दृष्टि लेकर चलता है उस बाजार के अंदर सराफा में, जब घूमता है तो उसे कहीं न कहीं सोने के कण अरे मिल ही जाते हैं, क्योंकि उसकी दृष्टि किस पर है? सोने के कण पर है। तो कहीं न कहीं उसे ढूंढते ढूंढते जरूर मिल जाता है। और जिसको सिर्फ झाड़ू ही लगाना है उसको क्या मिलेगा? कचरा ही मिलेगा। ये दृष्टि के ऊपर निर्भर है। इसी तरह अगर आप किसी मिठाई की दुकान पर जाओ और आपको मिठाई खरीदना है तो आपकी दृष्टि किस पर रहेगी? सजी हुई जो मिठाई के डिब्बे हैं, जो अच्छे भरे हुए हैं, उन पर दृष्टि जाएगी। आप किचन में जाकर उन कंदोई को, उन रसोइयों को नहीं देखोगे कि इसके तो कपड़े मेले हैं या उसके कुचेले हैं। आपकी दृष्टि किस पर रहेगी? इसी तरह हमें एक कवि ने कहा है, गुणी बन गुण को लेना है हमें अवगुण से क्या मतलब, गुणी बन गुण को लेना है हमें अवगुण से क्या मतलब, कुएं से नीर पीना है हमें कचरे से क्या मतलब, कुएं से नीर पीना है हमें कचरे से क्या मतलब, गुणी बन गुण को लेना है हमें अवगुण से क्या मतलब। हमें गुणी बनना है, हमारी दृष्टि किसी भी व्यक्ति या किसी चीज के गुण पर जाए। दुनिया जैसी है वैसी है, लेकिन उसमें हम अच्छाई ढूंढेंगे तो निश्चित क्या होगा? जिसको पानी पीना है, कुएं में कचरा है तो है, लेकिन उसे तो क्या करना है? पानी पीना है। इसी तरह आगे कवि कहता है, हम तो ग्राहक है चंदन के, भले ही सांप जहरी हो, हम तो ग्राहक है चंदन के, भले ही सांप जहरी हो, मुग्ध है पुष्प सुरभि पर हमें कांटों से क्या मतलब, मुग्ध है पुष्प सुरभि पर हमें कांटों से क्या मतलब, गुणी बन गुण को लेना है हमें अवगुण से क्या मतलब। हमें क्या करना है? गुण लेना है। हमें पता है कि चंदन के वृक्ष पर जहरीले सांप क्या होते हैं? लिपटे रहते हैं, लेकिन हम उन सांप से मतलब नहीं है, हमें मतलब है चंदन से। तो जो पुष्प हमें अच्छे लग रहे हैं उसके कांटों पर हमारी दृष्टि न जाए। हमें फूल चुनना है तो फूल चुने। इसी तरह आज आपने जो कुछ सुना है कि जिस प्रकार जैन धर्म का, जैन शासन के बारे में या जैन समाज के बारे में कल भी सुना आपने कि हमें गर्व है कि हमें जैन धर्म मिला है, जैन कुल में जन्म है, जिन शासन मिला है इसके प्रति हमारा क्या हो, दृष्टिकोण हो कि हम जो कुछ है, हमारे लिए जो कुछ है वह कौन है? जैन धर्म है। कहा जाता है, सर जाए तो जाए मेरा जैन धर्म ना जाए, हाँ सर जाए तो जाए मेरा जैन धर्म ना जाए। काश ये पंक्तियां आपने याद कर ली तो अपने आप के जैन धर्म के प्रति सच्चे श्रद्धावान, दृढ़ निष्ठावान बनकर जिन शासन के प्रति समर्पित बनो। इन्हीं मंगलमय कामनाओं के साथ बोल भगवान महावीर। महावीर स्वामी की जय। चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर को वंदन, अत्र विराजित साधुवंद को सत्सत वंदन। गुरु दिवाकर दरबार में पधारे हुए सभी दर्शनार्थी बंधुओं का श्री संघ हार्दिक स्वागत एवं सम्मान करता है। सभी दर्शनार्थी बंधुओं के लिए संघ के चौके में गौतम प्रसादी की व्यवस्था रखी गई है, कृपया लेकर सेवा का मौका देवे। केवल दरबार में कई गणमान्य व्यक्ति पधारे हैं,
उपस्थित हुए हैं, जिनका श्री संघ तय दिल से स्वागत करता है। कल रविवार है और शादी वृंद ने विषय रखा है घर घर की कहानी। कल छुट्टी का दिन भी है, कृपया सब बच्चों को साथ लावे ताकि इसमें कुछ सबक सीख सकें। हर गुरुवार को अनुष्ठान रखा गया है तथा शुक्रवार को एकासन का रखा गया है। जिनको भी अपना नाम लिखाना है लिखवा देवें। जैन कॉन्फ्रेंस मानव सेवा की तरफ से जरूरतमंदों के लिए अम्ब्रेला वितरण की व्यवस्था रखी गई है, जिनके बारे में युवा मंत्री भरत कोठारी, राष्ट्रीय युवा उपाध्यक्ष भरत कोठारी अपना विचार व्यक्त करेंगे। दो मिनट के लिए भरत कोठारी पधारे। श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटिश वंदन। यह अर्धविराजित साध्वी मंडल, यह अर्धविराजित साध्वी मंडल डॉक्टर चन्ना जी महाराज साहब थाना छह के चरणों में कोटिश वंदन। जैन कॉन्फ्रेंस युवा शाखा कर्नाटक और राष्ट्र की तरफ से ये हमने एक छोटा सा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, प्रोजेक्ट छाव। ये एक अम्ब्रेला है जो सब्जी वितरण करते हैं, और जो हमारे बेंगलोर में अभी बारिश की सीज़न है, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, तो ये जो शू वेंडर्स हो या कोई भी सब्जी बेचने वाले हो या जिनको तकलीफ है, जो रोड तरफ या फुटपाथ साइड बेचते हैं, उनको तकलीफ ना हो करके हमारी युवा शाखा ने ये एक छोटा सा इनिशिएटिव लिया है, जिसमें ये अम्ब्रेला हम लोग वितरण करेंगे निःशुल्क। 108 अम्ब्रेला हमने लॉन्च किया, टारगेट रखा है, और इसका शुरुआत श्री गणेश हम यहाँ से कर रहे हैं। उसके लिए हम श्री संघ को बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करते हैं और आप सबका सहयोग चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि श्री संघ के अध्यक्ष मंत्री और आके इस छतरी के पास एक छोटा सा सेल्फी हो जाए। तो धन्यवाद। जो युवा शाखा कॉन्फ्रेंस ने छावा का जो प्रोग्राम रखा है, मैं उन्हें इस मंच की ओर से तहे दिल से धन्यवाद, साधुवाद, अभिनंदन। और फिर यही कहना चाहूँगी, ये मेरा जिन शासन है कि जहाँ हमारी युवा पीढ़ी भी इतना दान पुण्य परोपकार और औरों के सहयोग और सहायता के अंदर जब आगे आते हैं, ये जिन शासन का चमत्कार है। तो आप ऐसे लाइन से आइए और आपका छावा यहाँ रखिए, और साध्वी मंडल के साथ में भी फोटो लीजिए, और पदाधिकारी को भी बुलाइए, एक क्रम में आ जाइए। अपने सामने सामने जो सामने जो दिखेंगे नहीं, दिख जाएगा। आप कॉन्फ्रेंस हुआ है सा, आओ सा, आज कॉन्फ्रेंस को शर्ट नहीं पहना। आओ मकाना साहब, गोटाव साहब, दिख जाएंगे। आप यहाँ खड़े हो ना, माइक की जगह जा। हाँ खड़े हो जाओ, लाइन से खड़े हो जाओ, वो है कैमरा वाला कवर कर लेगा आपको। बिना आशीर्वाद दो ना। सुशील जी डूंगरवाल, पुष्पा का डायलॉग सत्य हो गया बेनो। जय जिन शासन, जय जिन शासन, सहयोग करने वाले को धन्यवाद, आगे आने वालों को धन्यवाद, समाज की सेवा करने वालों को धन्यवाद। ओके, हाँ, आज के प्रत्याख्यान एकासन सर्वत्रभगणम संसरागणम मैत्रागणम गुरु ठम एक उपरांत भोजन करो आपको आज का आयम बिल। नाम किसने लिख के भेजा? रतन जी धोखा लिखा है, हिंदी नहीं आती बराबर। कौन है भाई रतन जी, खड़े हो जाएं, या जिन्हें भी आयम बिल है वे खड़े हो जाएं। आज का आयम बिल, आज का एक उपवास। जो जो धारा जी के उपवास का पचकान अष्टम पाणम खायम स्वयं अनत्र भगणम संसरा गणम मैत्रा गणम दिन का तिवरात कचो रुग्य सूर्य उपास रखने वालों को
सामूहिक प्रत्याख्यान है मंगल पाठ। जम्बू भैया जय बुला देते मंगले क्यों सामूहिक पचकांड भोजन से पूर्व पांच पांच नवकार मंत्र के लिए सबके लिए एक मिनट सबके लिए गौतम की प्रसादी रखी गई है कृपया लेकर सेवा का आज दोपहर में ठीक 2:30 बजे गन्ना भवन पर महिलाओं के लिए एक पेपर रखा है यहाँ पे रखा है हाँ। अच्छा मकाना गार्डन में आज दोपहर को ठीक 2:30 बजे महिलाओं का प्रश्न मंच रखा है। कल सुबह में कहानी घर घर की हाउजी एंड बहुजी और कल दोपहर में बच्चों का शिविर और साथ में गुड हेल्थ एंड गुड वेल्थ इसके ऊपर वर्कशॉप आज का मंगल पाठ आज धारणा प्रमाणे पचकाहन भोजन से पूर्व पांच पांच नौकार मंत्र गिने रस बनते पड़िकमामी निंदामी गिरहें वो श्रे चतारी मंगलम अरंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनत्तोदमो मंगलम चतारी लुगुत्तमा अरंता लुगुत्तमा सिद्धा लुगुत्तमा साहू लुगुत्तमा केवली पनत्तोदमो लुगुत्तमा चतारी शरणं पवज्जामि अरियंती शरणं पवज्जामि सिद्धि शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पनत्तोदमो शरणं पवज्जामि चार शरण मंगलिक करना और शरण नहीं कोय जे भव्य प्राणी आराधे अक्षय अमर पद अंगुष्ठे अमृत बसे लब्धि तणा भंडार श्री गुरु गौतम समरिये मनवांचित फल दाता भावे भावे दीजे दान भावे धर्म आराधिये भावे केवल ज्ञान भावे पद निर्वाण तिकु तो आया इनं पाया इन करेमि वंदामि नमो स्वामी सकारेमि कल्याणं मंगलं देव्यं चेव्यं पूज्वा स्वामी तिकुतो पायाहीणं वंदामि सकारेमि कल्याणं देव